प्रदेश के संग्रहालयों और स्मारकों पर जल्द ही ई टिकटिंग की सुविधा शुरू की जाएगी। जयपुर स्थित पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के निदेशक डॉक्टर महेंद्र सिंह खड़गावत ने बताया कि ई टिकटिंग के शुरू होने से पर्यटकों को सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने बताया कि स्मारकों को देखने के लिए आने वाले पर्यटक QR कोड और सभी प्रकार के डिजिटल पेमेंट मोड के जरिए टिकट ले सकेंगे। स्मारक और संग्रहालय हैं उन सभी के ऊपर जहाँ पर टिकटिंग लागू है उसको 100% ऑनलाइन में कन्वर्ट कर दिया है और इसी सप्ताह आने वाले सप्ताह में इसको प्रारंभ कर दिया जाएगा। ये पूरा सॉफ्टवेयर और पूरा जो बनाया गया है ये राजस्थान के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से बनाया गया है और इसको जितने भी टिकट बिकेगी उसके 2.5% शेयरिंग के आधार पर सरकार के अनुमोदन के पश्चात DOIT को ये कार्य दिया गया है। ये लागू हो गया है और इससे सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि पर्यटक जिनको बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता है उनको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। किसी के पास खुले पैसे नहीं होते हैं, किसी के पास कुछ नहीं होता है और QR कोड और UPI पेमेंट और बहुत सारी चीज़ें हैं ऐप के माध्यम से और ऑनलाइन आप बुक करवा सकते हैं। तो 100% इसको ऑनलाइन कन्वर्ट किया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि पैसा सीधा सरकार के खाते में जाएगा ईग्रास के माध्यम से और निश्चित रूप से रेवेन्यू में इजाफा होगा और पर्यटकों को एक बड़ी सुविधा मिलेगी।